Hello everyone, welcome to the another video of Next Scholarship. So, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोसीजर ऑफ नेक्स्ट स्कॉलरशिप कि कितने इंटेक्स होते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए और नेक्स्ट स्कॉलरशिप में क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसका प्रोसीजर क्या है या एम्बेसी का क्या प्रोसीजर है, यूनिवर्सिटी ट्रैक का क्या प्रोसीजर है, ब्रीफ लिंक के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें मास्टर के लिए क्या स्टाइपेंड है, पीएचडी के लिए क्या है, अंडर ग्रेड के लिए क्या है, यह हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को इनको इन तक ज़रूर देखिए और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर कमेंट करें और मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिक्स का वाले से आपको रिक्वायर्ड है तो मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू प्रोवाइड। सो मिक्स स्कॉलरशिप एक वेरी कम्पिटेटिव एंड वेरी प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है जापान में। जो गवर्नमेंट ऑफ जापान बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को, जापान के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ऑफर करती है और उनमें बहुत सारे सीट्स होते हैं हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, मास्टर्स के लिए, एज वेल एज लाइक अंडर ग्रेड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी होते हैं। तो बेसिकली जो मिक्स स्कॉलरशिप होता है उसका दो इंटेक्स होते हैं। एक तो एम्बेसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा जो है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू इंटेक कर सकते हैं, या आप यूनिवर्सिटी का इंटेक कहते हैं जैसे यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, और दूसरे को कहते हैं एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप। तो जो एम्बेसी ट्रैक होता है वो अमूमन अप्रैल इंटेक होता है, जिसमें आपका क्लासेस जो होगा वो अप्रैल आप ईच ईयर होता। अगर आप प्रोसेस करते हैं मई जून के अंदर उसका ओपन होता है तो हर एम्बेसी के वेबसाइट पे वो अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। तो जब वो ओपन होता है तो आप एम्बेसी के वेबसाइट से वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको डाउनलोड करना होता और उस हिसाब से जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको फिल करके आपने एम्बेसी को सेंड करना होता। फिर एम्बेसी आपका सारे डॉक्यूमेंट चेक करती है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स सही है, करेक्ट है और आप एलिजिबल हैं टेस्ट वगैरह के लिए, फिर वो आपको टेस्ट वगैरह के लिए कॉल करेंगे। फिर आपका टेस्ट होगा जिसमें आप अंडर ग्रेड भी आ सकते हैं, ग्रेजुएट और पीएचडी। तो इसमें अमूमन जो सीट्स होते हैं वो हर एम्बेसी में 15-20 सीट्स होते हैं, पीएचडी, मास्टर, अंडर ग्रेड मिला के। जब आप वहाँ पर टेस्ट देते हैं, अगर टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपका फाइनल होता है, मीन्स आपको वहाँ से मिक्स स्कॉलरशिप मिल जाता है। फिर उसके बाद आपने ये करना होता है कि आपने एडमिशन लेना होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसमें पहले ऑप्शन देते हैं, जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें तीन यूनिवर्सिटीज़ के नाम अपने प्रेफरेंस में देना होता, जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका सब्जेक्ट ऑफर होता, तो वो पहले यूनिवर्सिटीज़ को चेक करें और उसके बाद आप अपना जो नाम है उसको उस फॉर्म में मेंशन करना होता। जब वो कंप्लीट होता तो फिर वो आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है, प्रोफेसर को अप्रोच भी करना होता है, नहीं किया भी तो इशू नहीं है, विदाउट भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वे है कि आप पहले किसी प्रोफेसर को अप्रोच करें और उसको बता दें कि मैं ऑलरेडी एम्बेसी से मेरा स्क्रीनिंग हो गया है तो मैं चाहता हूँ कि एडमिशन लो आपके यूनिवर्सिटी में और आपके अंडर में काम करो। तो वो आपको रिकमेंड करेगा, फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, फिर आप सारे प्रोसेस हो जाएगा और वहाँ से लेटर मिलेगा तो वो एम्बेसी को देना होगा और फिर उसके बाद आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। फिर आपका जो इंटेक होगा वो अप्रैल में होगा और आप अप्रैल में यहाँ जापान आके उस यूनिवर्सिटी में स्टडी करोगे। और जो दूसरा ट्रैक है, जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है, वो अमूमन सितंबर के इन या जिसे अक्टूबर इंटेक कहते हैं, अक्टूबर इंटेक होता है। इसमें प्रोसेस ये होता है कि अमूमन जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी या अक्टूबर भी मिला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन चार मंथ में आपने यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर को अप्रोच करना होता है। जब वो प्रोफेसर आपको एग्री होता है आपको सुपरविजन करने के लिए, उसके साथ इंटरव्यू वगैरह होता है, आप प्रपोजल शेयर करते हैं, वो डिपेंड करता है प्रोफेसर कैसा है, वो आपसे इंटरव्यू भी ले सकता है, आपको प्रपोजल के बेस पर सिलेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स भेजना होता, या तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल वालों को भेजना होता या तो प्रोफेसर को भेजना होता बाय ईमेल के थ्रू। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी है जिसमें हार्ड फॉर्म में उसको डॉक्यूमेंट्स भेजना होता।
फिर यूनिवर्सिटी आपका सारे डॉक्यूमेंट चेक करती है, अगर आप एलिजिबल हैं, आपका सारे डेटा देखते हैं, आपका क्राइटेरिया पर उतरते हैं आप, तो फिर वो एग्रीगेट निकाल के दूसरे कैंडिडेट दूसरे जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे अगर आपका प्रोफाइल अच्छा बनता है, आपका एग्रीगेट अच्छा बनता है, तो आपको इनिशियल स्क्रीनिंग में रिकमेंड करते हैं। फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो मिक्स के लिए सेंड करते हैं। जब आपका एप्लीकेशन मिक्स के लिए जाए यूनिवर्सिटी से, तो आपका चांसेस तकरीबन 80% हो जाता है। फिर आप मिक्स आपको रिकमेंड करती है, आपका स्कॉलरशिप लग जाता है मिक्स से। फिर उसके बाद आपका एडमिशन क्लियर हो जाता है। फिर आपका जो इनटेक है वो अक्टूबर या सितंबर के एंड एंड में हो जाता है आपका। और फिर यहाँ का आपका 1 अक्टूबर या किसी अक्टूबर के किसी भी डे से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। और ये दोनों ट्रैक्स हैं, इसमें मैं मेंशन करते चलूँ कि जो अंडर ग्रेड्स हैं वो स्टूडेंट एम्बेसी के थ्रू कर सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिक्स स्कॉलरशिप मिल सकता है एम्बेसी के थ्रू। लेकिन यूनिवर्सिटी के थ्रू उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा मिक्स स्कॉलरशिप। वो एडमिशन तो ले सकते हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू, लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, उनको सेल्फ बेस पे लेना होगा। फिर जब वो जहाँ जापान आएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ के या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्कॉलरशिप होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके ऊपर अंडर ग्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्त मिक्स के लिए लाजमी है कि आप एमबीसी के थ्रू करें अंडर ग्रेड वाले, बाकी ग्रेजुएट और पीएचडी मास्टर दोनों वो यूनिवर्सिटी के थ्रू भी कर सकते हैं, एमबीसी के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट होता है वो यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे सीट्स होते हैं, तो उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता। और एमबीसी में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, सीट लिमिटेड होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कंपटीटिव होता है। तो लेकिन आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं और दोनों में आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। और जहाँ तक स्टाइपेंड की बात है, और जो स्टाइपेंड देते हैं आपको मंथली जो स्टाइपेंड होता है मिक्स के अंदर वो अंडर ग्रेड के लिए तकरीबन 120,000 होता है, 120,000 yen, और जो मास्टर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 144,000 होता है, और जो पीएचडी होते हैं उनके लिए 147 और 145 इस तरह देते हैं। क्योंकि जो दरमियान में थोड़ा बहुत जब सर्दियां आती है तो उसमें कुछ अलाउंस बढ़ाते थे 3-4 हज़ार रुपये, तो वो थोड़ा वेरी करता है, लेकिन ऑन एवरेज 144 मास्टर के लिए, 146 या 47 पीएचडी स्टूडेंट के लिए 120,000 अंडर ग्रेड के लिए, ये इसका स्टाइपेंड है। उसके साथ साथ आप लोगों को जो एयर फेयर टिकट देते हैं, आप लोगों का वीज़ा फ्री है, और आप लोगों को जब आप वहाँ से आते हैं यहाँ तो तब भी टिकट देते हैं। आप जब वहाँ से डिग्री कंप्लीट करके आप दोबारा पाकिस्तान जाओगे वो टिकट भी मिक्स की तरफ से होता है। और बाकी जो चीज़ें हैं आपका एजुकेशन जो है, यूनिवर्सिटी फीस और ये सारी चीज़ें, ये भी मिक्स ही कवर करती है, तो इसका कोई नहीं है, बाकी कोई चार्जेस नहीं है। आपने सिर्फ अपना जो डॉर्मेट्रीज होते हैं, अपना खाने पीने के जो चीज़ें होते हैं उसके लिए आपने अपने स्टाइपेंड से करना है, बाकी सारी चीज़ें फ्री हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था। अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के हवाले से या मिक्स के प्रोसीजर के हवाले से या प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करना है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, और आप क्वेश्चन पूछें, मैं उसको आंसर आप लोगों को दूंगा कि प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करना है, प्रोफेसर को अप्रोच करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है। मैंने कुछ वीडियोज़ बना लिया है, उन वीडियोज़ को आप देख लें। अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन बनता है, कोई बात आपको समझ नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, मैंने डॉक्यूमेंट्स पे अलग से वीडियो बनाया है, उसके बाद जो एंट्रेंस एक एग्ज़ाम होता है उसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाया, तो वो सारे वीडियोस आप देख लें। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है मिक्स के हवाले से तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और थैंक यू सो मच, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बाय बाय, टेक केयर।